इस दुनिया में मैं जब तक पैसे के लिए काम करूंगा, इस दुनिया में कभी भी पैसे वाला नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। कर ले, क्या करेगा। और हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग क्या है, काम कर पैसे वाला बनेगा, काम कर। तो जब ये किताब मैंने चाटी ना, तो मेरे को लगा यार किताब ना कुछ गलत लिखी गई है। फिर मैंने एक और किताब खरीदी, उसमें भी वही लिखा था। बाद में 2 साल बाद मेरे को पकड़ में आया कि यार किताब ठीक है, तेरे यहां पे गड़बड़ है। फिर जो बात पकड़ में आई, हो जाना चाह रहा हो, चलिए वापस हाथ खड़ा करो, बोलो, इस दुनिया में मैं पैसे वाला तब बनूंगा जब पैसा मेरे लिए काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा। अब पैसे वाले बनो, बोलो तो इतना पैसा मैं लाऊं कहां से जो मेरे लिए काम करे। वही तो बता रहा, इतनी देर से कामना कर रहा हूं। हाँ जी राइट। चलिए तो आज के 4 पैटर्न, चारों में से कोई एक काम को पकड़ लो। और इसलिए जो इतना बहने हैं वो ध्यान से देखना, है ना ये। हाँ, पहले जमाने में सॉफ्टवेयर ऐसे बदला जाता था। एक माँ के पास 5-6 प्रोडक्ट होते थे, वो ये ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा होता था, तो माँ पकड़ के एक के जूते टिकाती थी पिछवाड़े में, और बाकी बच्चे देख के वो अपने आप ही प्रोग्राम ट्रांसफर करते थे, है ना, सारे अपने आप लाइन में। कितने लोग गवाह इस बात के। मैं भी मीटिंग में एक को पकड़ता हूँ, ट्रांसफर बाकी का हो जाता है। सो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वी ह्यूमंस आर प्रोग्राम कंप्यूटर्स, हम आदमी नहीं है, हम रोबोट्स हैं। जिस किस्म का प्रोग्राम हमारे यहाँ पर होगा, उस किस्म की हरकतें हम करना शुरू कर देंगे आपके कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ दो मैं थोड़ा सा। हम खुद तो पहले भीतर में परिवर्तन आएगा, फिर उसके बाद बाहर की दुनिया में परिवर्तन आएगा। और आपने देखो कभी भी जो है ना, आरसीएम की फैक्ट्री देखी क्या, कोई साबुन वाबुन वाली देखिए, वहां पर साबुन की फैक्ट्री में आप गए होंगे तो आपको देखोगे ऐसी फैक्ट्री, मतलब कुछ सेटअप सा मशीन सी नजर आती है, उसको बोलते हैं पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। ये सर अरविंद सर मास्टर इस चीज की, वो ऐसी फैक्ट्री वो सेटअप करते हैं राइट। और किंदर देव, उसका भी मेरे ख्याल से पीएलसी का ही काम है। तो जब आप उसकी फैक्ट्री में जाएंगे तो आपको क्या नजर आएगा, इसी जगह से साबुन गिर रहा होगा, ऐसे करता ना, कहीं से साबुन गिर रहा होगा एक टोकरी में, फिर थोड़ा सा आगे जा रहा होगा तो उसके नीचे एक पेपर आ रहा होगा, झपक 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 झपक, है ना, कितने लोगों को देखा है, है ना, ऐसे ना। फिर थोड़ा सा अगले स्टेप पे जाओगे तो वहां से फिर ना दो कागज झपक 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 झपक, है ना, कागज में लिपट रहा होगा, आगे कहीं जाके ठपक 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 ठपक, आगे कहीं जाके डब्बे में पैकिंग। उसको एक बार सेट कर दो, ये जिंदगी भर के लिए अपने आप काम करती रहती है, एक बार सेट करना होगा। फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और पैसे के लिए भी, नेटवर्क में डायरेक्ट सेलिंग के लिए आदमी को कुछ नहीं करना होता, एक बार अपने ब्रेन को सेट कर दो, ये जिंदगी भर आपके लिए अपने आप काम करता रहता है, ऑटोमेटिक काम करता है, ये भी तो मशीनी तो है ना। हाँ जी, इसको एक बार सेट कर दो यार, रोज नहीं वो तो यूं बोल रहा है वो, तो एक बार सेट कर दो ना, दुनिया करे ना करे हम तो करेगा। हेलो हेलो, मैंने आज तक किसी को नहीं बोला, आपको भी नहीं बोलूंगा, आप करो। मरे नहीं बोलूंगा किसी को, क्योंकि हमने सिर्फ अपने आप को बोला हम तो करेगा। क्या है फैक्ट्रियां वैक्ट्रियां आपको सब मालूम है, दुनिया भर के पिकअप सेंटर एक से शुरू हुआ, दो हमारे इरादे हैं दुनिया में, एक हमें पैसा चाहिए, एक हमारे को सेहत चाहिए। पहले सेहत चाहिए, पहले पैसा चाहिए। और ये इतने सारे प्रोडक्ट वगैरह सारे हो चुके हैं, ये सारी बातचीत आपकी हो चुकी है, सरकार बोल चुकी है अभी 13,000 करोड़ का, अगले 5-7 साल में 60% लेडीज 2010 तक आ जाएगी, और देश का जो टर्नओवर है वो भी जो है वो करीबन 4 देसी कंपनियां 4 विदेशी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में करीबन 25-26% का। सबसे बड़ी आपको गर्व होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग में भारत देश में सबसे बड़ी जो कंपनी है वो, और नंबर्स के मामले में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है।
और दुनिया के आंकड़े बोल रहे हैं कि भारत अभी सोया हुआ शेर है। 2025-30 तक अगले 5-7 साल में 64,000 करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री चली जाएगी। यो अमेरिका में 32 करोड़ लोग हैं, 2,00,000 करोड़ का कारोबार हो रहा है, और इंडिया में ये थोड़ा सा ये डिजाइन के ऊपर आ रहा है, इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, 13,000 का कारोबार, कितने का कारोबार है? सोचो क्या होने वाला है, सोया हुआ शेर है, जागने वाला। अभी तक तो लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ने तोड़ने का धंधा बनाया था, 140 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और तरीके से उनको आज से बता दे। 140 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए और उनको तरीके से बता दीजिए। हमारी समस्याएं बहुत सारी हैं, और जो है सारा जो प्रोडक्ट है, अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ जो है वो हेल्थ के चैलेंजेस दुनिया भर के मिलावट। जितना बड़ा शहर उतना बड़ा गंदा नाला, जितना बड़ा गंदा नाला उतना बड़ा जहर, उतनी बड़ी मिलावट। ये सारी न्यूज आप सब कुछ रोजाना पढ़ते रहते हैं। दिवाली में जहर और दालोताब में तो जयपुर में पोतर भी लगा लगता है, मिलावट करने वाले की खबर दो, एक काम दाल कर देंगे। तो कई लोग जो बोलते हैं ना सर आश्चर्य नहीं हो रहा, मैं उनको बोलता हूँ उल्लू के पट्टे इनकी खबर दे दे, 51,000 मिलेंगे। आश्चर्य नहीं कर सकता तो यही काम कर ले, हजारों करोड़ रुपए के होर्डिंग लगे हुए पूरे रास्ता में, जो मिलावट करने वाले की खबर देगा उसको 51,000 रुपए का नाम। मगर ये काम तो ढंग से कर ले, जब वो काम भी ढंग से नहीं कर सकता तो बाकी क्या करेगा यार। हेलो, तो मिलावट के लेकिन एक दिन इतवार, 52 दिन त्यौहार, 20 दिन इलेक्शन, 20 दिन हड़ताल, 365 में से 100, 125, 150 दिन की छुट्टियां और ट्रिपल एट रूल, रोजाना के 8 घंटे। तो समय हमारे पास भरपूर है, अगर इस वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट कर दें तो कम हो सकता है, राइट। पूरे सब कुछ इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से, इनके बगैर हम जी नहीं सकते, चांद पर चाहे मंगल ग्रह पर, और इन सामानों में कोई सोना चांदी नहीं है, लेकिन बस सीधे आ रहे हैं इसलिए शुद्ध हैं। हमारे शरीर में जब ये जाते हैं तो सोने चांदी जैसा काम करते हैं, और इसके अंदर जो सीरीज है हेल्थ सप्लीमेंट की, ये पूरे देश में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये जो सीरीज है इसलिए बनी है हेल्थ सप्लीमेंट की कि जीवन में आपको कभी हॉस्पिटल में जाना पड़े। और ऐसी बहुत सारी किताबें, टेस्टिमोनियल्स, यूट्यूब वीडियो इन प्रोडक्ट के बारे में आप ले सकते हैं। दो प्रोडक्ट के बारे में दो लाइनें में बोलना चाहूंगा, एक न्यूट्रीचार्ज बायोज, एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन। न्यूट्रीचार्ज बायोज सुषमा स्वराज जी नहीं रही, अरुण जेटली जी नहीं रहे, लीवर ट्रांसप्लांट होने के बाद भी नहीं रहे, पूरी दुनिया का पैसा, पूरी दुनिया के डॉक्टर, हाँ के ना यस और नो। लेकिन आरसीएम के पास हजारों टेस्टिमोनियल ऐसे हैं जिसमें डॉक्टरों ने बोल दिया था कि तू 1 महीने ज्यादा नहीं रहेगा, अपने घर में जाके आराम कर, निपटने वाला है। आपके जैसा कोई भगवान का दूत उनके पास पहुंचा, न्यूट्रीचार्ज बायोज दिया, बॉडी डिटॉक्सिफाई हुई, और धीरे 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 2-4-6 महीने में वही लोग घोड़े की तरह दौड़ने लग गए जिन लोगों को डॉक्टर ने बोल दिया। तो कई वजह से वो सब कुछ हो सकता है, पी लिया भी हो सकता है लंबे टाइम तक, कोई गंदा वाला पानी पी लिया उस वजह से भी हो सकता है, और जिसने लंबे टाइम तक रोज एक बोतल अंदर उतारी है उसका भी हो सकता है। तो अगर आप किसी ऐसे दोस्त को जानते हो जो रोज एक बोतल पीता है तो उसको बोल ढंग से पी और साथ में खा, हम क्यों बोले मत पी। हेलो, दारू खराब नहीं है, दारू भी एक टूल है, औजार है, बात समझ में आ रही है, वो कैसे काम में लेना अभी बताता हूँ। लेकिन न्यूट्रीचार्ज वुमेन, जिस भी घर में अगर आप अपनी माँ बहन बेटी की अगर 1% की इज्जत करते हैं, मेरी पत्नी को मैं जानता हूँ, मेरी माँ को मैंने देखा बरसों, घर की नाभी है माँ बहन बेटी, जैसे हमारे शरीर की नाभी है ऐसा ही है ना, अगर ये नाभी गड़बड़ है सब कुछ गड़बड़ है। मेरे दादाजी बोलते थे बेटा जिंदगी में कुछ भी करना लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जिस घर में माँ बहन बेटी की आंख में आंसू मिलेगा उस घर में खुशियां कभी नहीं मिलेगी। और हमारी प्रोग्रामिंग क्या है, जिसकी तोंद बाहर आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, बहुत पैसा बना रहा है भाई। कोई कमी ना जाके नहीं बोलता कि सारे दुनिया भर की बीमारियां इकट्ठी कर रहा है, मेरा सच किसी को नहीं बोल रहा है ना, क्या बोलते हैं, जिसके बाल उड़ जाए उसको क्या बोलते हैं, बहुत तो पैसा बना रहे हो भाई, है सच में। कोई ये नहीं बोलता प्रोटीन विटामिन की कमी थी इसलिए गंजा हो गया, हाँ जी बात पकड़ आ रही है। और पत्नी तक को, पत्नियां जो माँ बहन बेटियां हैं, इनमें से खास तौर से अगर मैं पत्नी की बात करूं तो सवेरे 4 बजे उठती हैं, इतनी भी माँ बहन बेटियां हैं,
रात के 11 बजे सोती है, राइट। सुबह बच्चे को जाना है तो जल्दी उठ जाती है, उसको गर्म खाना देती है। दिन में पति को, पति को, रात को मुच्छड़ को 11 बजे 12 बजे भी आना है तो भी उसको गर्म खाना दे देती है। एक घंटा नींद आती, कोई आके हिला देता है, दो घंटे बाद फिर नींद आती, फिर कोई हिला देता है। और जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए 8 घंटे कम से कम सोना गहरी नींद में निहायत जरूरी है, राइट। तो जितनी भी मेरी बहने हैं, अगर कभी टाइम नहीं मिले तो दोपहर का खाना खा के 1.5 बजे 1 बजे जो भी आपको टाइम मिलता है 2-3 घंटे खर्राटे मार के सो। और किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, बाहर नोटिस लगा दो, खबरदार जो आपकी हेल्थ को आपको ध्यान रखना, राइट। या फिर आपको ध्यान, मेरी वाइफ जब सो रही होती तो मैं बच्चों को भी दूर से खटका चूंकि आवाज भी नहीं आनी चाहिए। किसी और की नींद को खराब करने का आपको अधिकार नहीं है, बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही। और कई बार तो ऐसी तकलीफें होती हैं लेडीज के साथ, 100 में से 98% महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी है पूरे देश में। कंधा दर्द, बदन दर्द, ये दर्द, वो दर्द, दुनिया भर के लफड़े हैं। और पत्नी पति तक को नहीं बताती कई बार, जब तक दर्द उसके बिल्कुल गले तक नहीं आ जाता तब तक वो जिक्र तक नहीं करती। अगर आप थोड़ी सी भी इज्जत करते हो ना माँ बहन बेटे की, तो अपने ये आरसी बाजार पास में है। कहां पर है आरसी बाजार? भैया ना यहाँ पर आरसी बाजार वाले, यहाँ पड़ोस में ही है। कहां पर है? कितने लोग जानते हैं? जानते हैं? वहां से न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन और एक किताब न्यूट्रीचार्ज की जरूर लेके जाना, ताकि हर आदमी के घर में डाइनिंग टेबल पर रहे वो। क्योंकि मैं ऐसे किससे जानता हूं, एक लेडीज ने, हमारे दोस्त, उसकी वाइफ ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया आज के 10 साल पहले 10 साल के अभी 6-7 साल पहले। और वो आदमी बहुत परेशान, जयपुर के सारे डॉक्टर चक्कर काट मारे 5-7 साल से, कोई नतीजा निकल के नहीं आया। और तकलीफ क्या थी, हर महीने जो माहवारी आती थी कभी 10 दिन पहले कभी 10 दिन बाद, उसके चक्कर में सारी तकलीफें तकलीफें, सिर के बाल तक आधे उड़ गए थे। उसको जाके मैंने सिर्फ 3-4 गुलाबी डब्बे, 2-3 लाल डब्बे, बिटिया इंजीनियरिंग कॉलेज में थी, तो मैंने जाके बोला, मैं कभी चुपचाप जो है किताब घर में रख देना, और मैं कहा आप लो, भाभी को बोलना, और मैं कहा बिटिया को किताब पढ़ने को देना। बोला क्या है? मैं कहा आप नहीं समझोगे तो बिटिया समझ लेगी, पढ़े लिखे हो तो घर में जाके पढ़ लेंगे। मैंने उनको कोई ज्ञान नहीं मिला, और इसके बारे में कुछ पूछना भी हो तो इस पे टोल फ्री नंबर लिखा है, मेरे जैसे से पूछने से बढ़िया यहाँ पे सीधा बना ले, फोन लगा लेना, एक्सपर्ट डॉक्टर बैठे हैं, इनसे मत पूछना किसी से, पता नहीं क्या 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 कर देगा। खाइया आपका चोटी लंबा हो जाएगा। हमने अपनी भैंसों को दिया, आगे उसका दूध जो है 20 किलो बढ़ गया, कुछ भी बोल सकता है आम आदमी, लेकिन आप प्रैक्टिकल के एक्सपर्ट कहां पर बैठे हैं? मैंने बोला पूछना किससे है? एक्सपर्ट से। बात आ गई ना, लोग अपना दिमाग लगाए बगैर नहीं रहते। तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर लिखा, उसको फोन ले लो ना, सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक वर्किंग डेज में एक्सपर्ट डॉक्टर बैठे ना यहाँ पर, आपको जो पूछना पूछिए उनसे पूछिए ना। और याद टीम में डलवाइए, उसको बोलते डुप्लीकेशन, जो काम जिंदगी भर निभा पाओ सिर्फ उसको लोगों को बताओ, जिसको निभा नहीं सकते जिंदगी भर वो वचन कभी मत दो किसी को भी, ठीक है। तो उनको मैंने दिया और वो 1-1.5 साल में घोड़े की तरह दौड़ने लगे। वो आदमी बैठ के रोया मेरे पर, वो कहानी लंबी है, मैं भी बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ, अगर माँ बहन बेटियों के प्रति थोड़ी सी इज्जत है तो आज जितने भी मूछ वाले हैं, बहने हैं तो अपने आप ले लेंगे, और जो बहन है उनसे मेरी गुजारिश है अपने अपने मूछ वाले के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन जरूर लेके जाना, क्योंकि उसका हाफना बंद हो जाएगा। और कोई 50 साल का है तो थोड़ी सी वो ताकत आ जाएगी, और आप में दम है कि नहीं है तो 2 बैग उठाना, गुड़गांव के रेलवे स्टेशन में जाना, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 3 पे उतर जाना, फिर वापस आके दिखा देना। अगर छाती गर्म नहीं हो जाए और कुत्ते की तरह जीभ बाहर नहीं आ जाए तो 3-4 महीने ये खाना और फिर जाना, 10 चक्कर भी काटोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा क्या क्या करेंगे खाके भाई, इतने में तो 2 दिन का पौवा आएगा भाई। हेलो, पौवा चाहिए उसको। सो थैंक यू वेरी मच। काम ओरिजिनल है, पिछले 30 साल से जो नकली खाया है उसको सफाई करेगा वेद से कोलेस्ट्रॉल को। तो गामा क्लीनिंग का काम करता है, न्यूट्रीचार्ज अंतिम सांस तक आपको ताकत देने का काम करता है। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे चारपाई में पढ़ के मरना चाह रहे हैं या चलते चलते इस दुनिया से जाना चाह रहे हैं, चॉइस इज योर्स।
तय आपको करना है कैसी जिंदगी जी, राइट। क्योंकि जो चार पाई में पढ़ के जाते हैं ना, पांच साल मक्खियां भिनभिनाती रहती है, अरे कोई साफ कर दो, अरे गीला है। हेलो, आपके घरों में कहीं ना कहीं मिलने गए, दुनिया भर के एग्जाम्पल मिलेंगे। चलो आज से मैं चार, ओके, चारों में से एक को भी पकड़ लो तो भी जिंदगी पार। लेकिन उससे पहले एक सवाल आप सबसे पूछना चाह रहा हूँ, आखिरी पांच मिनट आपके साथ बात करूँ। मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, ऐसे हजारों प्रोडक्ट आर से न्यूट्रीशार्ज की 23 प्रोडक्ट की सीरीज, लेकिन मुझे एक सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, बाहर में गया पैसा, बोलो मेरे साथ, बाढ़ में गया पैसा, बोलो एक बार, बाढ़ में गया पैसा। अब आपको पता बाढ़ क्या होता है? पहले जमाने में मूंगफलियां चने पकाने के लिए उसमें डालते थे, वो बाढ़ में पकाने के लिए, बाढ़ पकड़ आ रही है उसको, बाढ़ किसको भी जलाना पकाना हो तो उसमें डाल दो, राइट। तो बोलो बाढ़ में गया पैसा। आरसीएम से अगर एक भी रुपया नहीं आया जिंदगी में, और हमें अपने बोलो आरसीएम से अगर जीवन में एक भी पैसा नहीं आया, सिर्फ अपने ठंडे दिमाग से सोच के देखो, तो मुझे जीवन में कहां से सामान खरीदना चाहिए, बाजार में सामान खरीदना चाहिए कि आरसीएम का? सिर्फ इसका जवाब कहां से लेना चाहिए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। ये मेरे को खुश करना बोल रहे हो, आपके भीतर की आवाज आई, आवाज नहीं आई, आवाज भीतर की है, पक्का है? अगर ये आपका फैसला है तो यहां से दरवाजे खुलते करोड़ों के, उससे पहले नहीं खुलेंगे। खुल जा सिमसिम है यहां से, जिस दिन पत्नी को नमस्ते करना शुरू कर दोगे वहां से दरवाजे खुलते हैं घर में खुशियों के। बात पकड़ में आ रही ना? और जब तक पत्नी को डांटते रहोगे ना, अक्कल नहीं है, तब तक उल्लू के पट्टे तेरे दिमाग के पट भी बंद है। और ज्यादा खुशियां चाहिए तो जितना पैर पत्नी आपके पैर छूती है, जाके उतने पैर उसके छूना कि तू मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं भूखा ही मर जाता। लेकिन हम पैर छुएंगे तो मुझे कट जाएंगे हमारी। हेलो, अच्छा कुछ भी बोलते हैं तो माँ बहन बेटियां वापस तो नहीं बोलती, जवाब तो नहीं देती है? लोग मूछो वाले कई बार दांत डबट कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, वापस जवाब तो नहीं आता, कभी सोचा है? चले जाओ बचपन में, प्लेन आए थे, मम्मी चाची फाफी उसके दिमाग में क्या डाला, खाना बनाना सीख ले, सिलाई करना सीख ले, ये करना सीख ले, वो करना सीख ले, नहीं सीखेगी तो हमारी नाक कटाएगी, है ना, और 12 व्रत रख ले, सोमवार को रख ले, अच्छा पति मिलेगा, ये मिलेगा, जोत लगा ले, अगरबत्ती लगा ले, ऐसे कर्मकांड करवाए, फिर क्या बोला? जिससे भी तेरी शादी हो गई वो तेरा देवता। ये प्रोग्रामिंग है, क्या है? अब जैसे ही आता है, अब वो देवता है, देवता है, पेवड़ा है, सेवड़ा है, कैसे भी जैसे घर में आया रात के 11 बजे, तो वो एक देखती कोई पी क्या है, वो देखती अच्छा देवता है। हेलो, बात पकड़ में आ रही है? अब वो देवता है कि सेवता है, क्या है वो तो वही जाने, क्यों मैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अब अगले 5 मिनट आपको जो बोल रहा हूँ, अपना सेपरेट अकाउंट खुलवाना, और उस अकाउंट को कभी भी मुच्छड़ को हाथ मत लगाने देना, आप कमाल कर सकते हो, जानना है? और वहीं पर मेरा नारा है, इस दुनिया में कमा कमा के नहीं तो खा खा के भी करोड़पति बन सकते हो। चलिए आगे बढ़ो। सो अगर अब आपका फैसला है तो इस फैसले को पक्का करने के लिए सिर्फ एक टैबलेट ले लो। टैबलेट का नाम बताऊं क्या? मेरा है, जोर से बोलो मेरा है। शादी से पहले मेरी पत्नी अपने पिताजी की बेटी थी, शादी के बाद मेरी हो गई। किसकी हो गई? अब कोई टेडीमेड नाम से देखेगा तो, है ना, कर देंगे भाई शाबाश, काम कर देंगे। क्यों? मेरी है। क्या है? हाँ जी, आपने देखा है हम लोग जो है दुनिया भर के बस ट्रक चला देते हैं, ट्रेनें चला देते हैं, आग लगा देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, और फिर अखबार में आता 10-15 दिन बाद बंद सफल। आप देखो क्या हेडलाइन है, क्या हेडलाइन आती है, बंद यानी कि देश का सत्यानाश करना सफल। क्यों करते हैं?
क्योंकि प्रेम की प्रोग्रामिंग है देश हमारा है। किसका है? जिस दिन देश मेरा हो जाएगा मैं देश का नुकसान करना बंद कर दूंगा। जिस दिन देश मेरा हो जाएगा। आगे हेलो। और जिस दिन आरसीएफ, जिस दिन पत्नी मेरी हो जाएगी मेरे प्रोग्राम में, ये मेरे को घर बसाना, पत्नी किसकी है, तो मैं पड़ोसन पे लाइन मारना बंद कर दूंगा। सिंपल। हाँ जी, जब तक पत्नी को अपना नहीं मानोगे कहीं ना कहीं पिटपिटा गया हो। आपकी बात नहीं कर रहा, तशरीफ लोग मतलब बाहर ऐसे लोगों को देखते हो उनके लिए ताले बजा मेरे पास। अगर सिर्फ एक काम आप कर देते हो तो उम्र 10-20 साल बढ़ जाएगी सिर्फ पार्षद का, राइट? पार्षद किसका हो गया आज से? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। पार्षद किसका है? तो सिर्फ एक काम कर लो, आरसीएफ से समाज कर लो। 4 हिस्से हैं,